पहले एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा कर दिया, मैं ये चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को पहले करो और लिख भी लो कहीं पे चाहे। इफ v इज इक्वल टू 3x2, फाइंड e वेक्टर। इफ v इज इक्वल टू 4y क्यूब, फाइंड e वेक्टर। तो ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस है। देखो तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, e इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e यूज करेंगे, पर उसने वेक्टर पूछा, ये वेक्टर पूछ लिया, कोई बात नहीं, ये तो वैल्यू वेक्टर देगी नहीं, v तो स्केलर है, इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, कैप, क्योंकि सब कुछ x के अलोंग चल रहा है, तो पीछे क्या लगेगा, आई कैप। क्लियर है यहां तक? तो e वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v की वैल्यू इज 3x2 आई कैप, तो e वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस 3 कॉमन, तो 2x इसके डिफरेंशिएशन है i कैप, तो e वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6x i कैप। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो e वेक्टर कैसे निकलेगा, v से समझ में आ रहा है, v का डेरिवेटिव ले लेंगे, ऑटोमेटिकली e आ जाएगा, और अगर x में चल रहा है तो पीछे i कैप लगा देना। वो अभी नहीं, नहीं नहीं, हाँ पार्शियल है बता रहा हूँ, वो एक्चुअली नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें करनी है कर लो, फर्क नहीं पड़ता, सिंगल जब वेरिएबल चल रहा होता है ना, पार्शियल करो या कंप्लीट करो, आंसर सेम ही आता है। मैं बताता हूँ एक मिनट, ये स्टेप क्लियर है, अकृत क्लियर? तो उसी तरीके से यहां पर अगर ई वेक्टर निकालना है तो बोलो क्या, माइनस डी वी बाय कितना, डी वाई, लेकिन पीछे क्या, जे कैप, क्योंकि सब कुछ वाई की फॉर्म में चल रहा है, तो इसका मतलब ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वी, वी की जगह कितना, 4y क्यूब जे कैप, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4 3y स्क्वायर जे कैप, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 12y स्क्वायर जे कैप। ठीक, तो आपके पास वैल्यू आएगी जहां ई वीक होगा, वहां ये वीक क्या होता है, ये कमी हो रहा है, y की वैल्यू पुट इंक्रीज करते जाओ, e चेंज होता जा रहा है, कम होएगी ना एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ e। उल्टा हो गया ना, dv देखो ना, यहां तो कांस्टेंट ही आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां v कम हो रहा है, है ना, और e कांस्टेंट वाला आ गया। आप कह रहे हो कि जहां e कम हो रहा है, जैसे एक स्फीयर लेते हैं या एक चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज का स्मॉलर डिस्टेंस में e क्या होता है, 1/4πε0q/r², और v क्या होता है, q/r। एज यू मूव इन द डायरेक्शन, मतलब आप अगर दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, e तो चेंज हो रहा है ना, v भी तो चेंज ही हो रहा है, e कम हो रहा है, v भी कम ही हो रहा है ना, v कैसे बढ़ जाएगा, यहां पे आप समझे नहीं ना, जब आप डिफरेंस लेंगे तो आप दूर जा रहे हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल लेंगे तो छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्म प्लस हो जाएगी ना, मतलब कि अगर आप दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं और आप दो पॉइंट ले रहे हैं, एक ये एक ये, तो यहाँ वैल्यू छोटी आएगी, यहाँ बड़ी आएगी, जब आप डिफरेंस लेंगे तो छोटी माइनस बड़ी आएगी ना, यहाँ पे तभी माइनस लगाया हुआ है, वो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा और ई की वैल्यू आ जाएगी वहां पर जो भी होगी। अगर दो पॉइंट में अगर आप मुझे डी वी दोगे ना, मैं आपको वहां का ई निकाल दूंगा, तो ये फॉर्मूला आपको सब कुछ बता देगा। अब आप ये कहना चाहते हो कि वैल्यू बड़ी होगी कम होगी, कायदे से तो ऐसा होगा कि
इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन पोटेंशियल, है ना, डीवी कितना होगा उस हिसाब से ई की रेशियो निकलेगी। कि आपने डी ग्रेडियंट समझते हो ना, कितने डिस्टेंस में कितना वी चेंज हो रहा है। तो आप एक पोर्शन ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर वहां ई निकाल रहे हो आप, लेकिन क्वेश्चन मुझसे इन जनरल पूछ रहे हो कि ई होगा तो वी क्या होगा। यहाँ पे क्या लगा रहे हो, एक पोर्शन पे लगा रहे हो, उस पोर्शन में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, वो तो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वो ग्रेडियंट है। क्लियर है यहां तक? सो नेक्स्ट जो है इसमें, हमने क्या देखा कि अगर हमें प्रॉब्लम v की x की फॉर्म में आई, हमने e निकाल दिया, v की वैल्यू y की टर्म में आई, हमने e निकाल दिया, v की वैल्यू z की टर्म में आएगी, हमने e निकाल दिया। लेकिन अगर आपको वैल्यू v की x, y और z तीनों में आएगी, फिर क्या करना है? तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, e वेक्टर इज माइनस डीवी बाई डी एक्स, ये डी पार्शियल डेरिवेटिव होता है, फुल डेरिवेटिव नहीं है, वो डी फुल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। पार्शियल डेरिवेटिव और फुल डेरिवेटिव में फर्क क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता हूँ, जिसमें v x y और z तीनों की फॉर्म में चलेगा। अगर मैं सपोज क्वेश्चन देता हूं फुल डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x एंड y, और सेम क्वेश्चन मैं देता हूं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एंड y, तो पहली बात फुल डेरिवेटिव ये मानता है कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो अगर फुल डेरिवेटिव लेते हैं तो u इंटू v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ये इसका आंसर देगा। लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव होता है कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रही है, तो पार्शियल क्या मानता है कि जो दूसरा x के अलावा कोई भी वेरिएबल है उसको वो क्या मानता है, एज अ कॉन्स्टेंट, मतलब वो x को ही वेरिएबल मानेगा, बाकी जितने भी y z चल रहे हैं वो सब कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट क्या जाएगा बाहर, और क्या बचेगा डी एक्स बाई डी एक्स, आंसर क्या आएगा y। फुल डेरिवेटिव में x एंड y दोनों वेरिएबल्स हैं, पार्शियल में सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी जितनी भी चीजें सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स हैं। गुड आउट, इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं करके दिखाता हूं इसमें। तो जब आपको v x y z की फॉर्म में दिया जाएगा और आपको e निकालना है, तो पहले ये फॉर्मूला क्लियर है यहां तक, v का फॉर्मूला x y z तीनों में गिवन है, तो इसका मतलब आपको पार्शियल यूज करना है। पार्शियल में आपने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में इस v को यहां पुट किया, यहां पुट किया और यहां पुट किया, चेक कर रहे हो एक दो तीन, हर जगह v पुट कर दिया। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, x, तो यानी कि ये वाली और ये वाली टर्म इसके लिए क्या मानी जाएगी, कॉन्स्टेंट। तो इसको लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो। सिमिलरली y की डिफ्रेंसिएशन चल रही है पार्शियल, तो ये मानेगा कि ये वाली और ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या कर देगा, जीरो। और जो z है वो इसको मानेगा, इन दोनों को नहीं मानेगा, तो आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस होके देखो क्या बन गई, सिर्फ यहां पर x ले लिया, यहां y वाली टर्म ले ली, यहां z वाली टर्म ले ली। पॉइंट समझ में आ रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव का फायदा क्या है। फिर आपने पूछा कि वो जो अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा था v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाला, और मैंने e का फॉर्मूला यूज किया माइनस डीवी बाई डी एक्स, ये फुल क्यों यूज कर लिया, पार्शियल क्यों नहीं किया, पार्शियल कर लो, पार्शियल कर लो, क्यों, क्योंकि जब वेरिएबल ही एक चल रहा है तो क्या तो पार्शियल क्या तो फुल, आंसर विल रिमेन एक ही तो है, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है यहां तक? तो सिंगल वेरिएबल में कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन जब मल्टीपल वेरिएबल है वहां पर आपको पार्शियल यूज करना है। अब देखो पार्शियल में 3 इज अ कॉन्स्टेंट, डी एक्स बाई डी एक्स 1, 2 इज अ कॉन्स्टेंट, माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये टर्म आ गई आंसर। ई वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आपने कैसे करना है? एक बार ये क्वेश्चन देखें, ई वेक्टर निकालना है, अब ई वेक्टर निकालना है, और अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, इस प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है, ई वेक्टर निकालना है, वी गिवन है, उल्टा मैंने मुश्किल क्वेश्चन पहले डाल दिया, इजी बाद में डाल दिया, पर मैंने बोर्ड पे करवा दिया, k इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएक्स यूज कर लेंगे, आई क्या, क्योंकि x वेरिएबल है अकेला,
तो वी की जगह वैल्यू पुट की, एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक, वो तो मैंने बोर्ड पे करवा ही दिया। प्रॉब्लम है जब वी के अंदर सारे वेरिएबल हो, फिर पार्शियल, अगर सिंगल वेरिएबल हो फिर तो आ ही गया आंसर। ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी है। अब उल्टा काम है, ई गिवन है वी निकालो, वी गिवन है ई तो निकल गया, अब ई गिवन है वी निकालो, इंटीग्रेशन यूज हो। एक सेकंड देखना,
देखो ई, अब उल्टा केस गिवन है, ई वेक्टर गिवन है और मुझे क्या निकालना है इसमें वी ऑफ ए बी। पहले लिखना,